भीख मांगने जा रही गाइस। मतलब दूसरे के घर में जाऊंगी, चप्पल ही आएंगी उड़ते हुए मेरे पे। तो एक टेडी बियर ये है और एक टेडी बियर ये है। ये कैसा लग रहा है आपको बनिया बन के? अब एकदम काम वाली भाई। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू रतन सोनी ब्लॉग। सो गाइज, आज जा रही हूँ मैं अपनी दोस्त के घर जिसकी शादी हो चुकी है। पता आपको, मेरी क्लासमेट और शादी होगी उसकी। और देखो यहाँ पे ये छुप रही है। बाय बाय मम्मी, जा रहा हूँ मैं, आज शाम को आऊंगा। सो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ दोस्त के वहाँ पे। और देखो ये आइए पधारिए टप्पू के पापा जी। तो गाइस चलते हैं और आज पार्टी करेंगे हम लोग। गेट बंद कर लो भाई। जूते कहाँ खोल, जूते अपने जूते कहाँ पे खोलू? बस कहीं मत खोल। गाइस यहाँ पे देखो, ये अपने पेट को बात रही है इधर। तुम लोगों ने जिम भी खोल देगा यहाँ पे अपना? इसका आय है, इसका जिम है। क्या नाम है इसका? कीवी। कीवी, एक कीवी। आपको दिखाती हूँ मैं बनिए लोगों का घर, ठीक है? वैसे होने को ये पंजाबी है, बट इसका ससुराल है बनियों के वहां पे। तो ये अब बन चुकी है बनिया। तो ये देखो ऐसा इतना बड़ा, वो भी सिर्फ एक कमरा यार, इतने दो कमरे होते हमारे। कैसा मुझे है? पता नहीं है, इंटीरियर पहले से ही बना है। एक्चुअली हमारे दादा उन्हें बनाया था। कैसा लग रहा है आपको बनिया बन के? अब एकदम काम वाली भाई। मतलब घर का काम करने वाली भाई। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा है कि जिम्मेदारी आ गई है छोटी उम्र से, तो हम बड़े हो चुके हैं। बड़े हो चुके हैं, बहुत ज्यादा चप्पल पड़ती थी। उसके बाद जब जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि हाँ करना ही है, बाद में भी करना है, अभी भी करना है, इसलिए सीख लो, अभी भी कर लेंगे, अच्छी चीजें मिल जाएंगी उन गाली है। तो गाइस मुझे भी बहुत पड़ी है। मेरे को चप्पल पड़ती यार। आप देख रहे हो, मेरी दोस्त ने मेरी आने की खुशी में इतने सारे खाने की चीज पहले से लेके रख रखी दुकान से। क्या भाई? गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, अभी लाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ऑर्डर कंफर्म हो गया है, कुछ मंगा भी ले रही हूँ। कहेगी कुछ खिलाया नहीं। मैं नहीं कहती भाई, ऐसा मत बोल। मतलब शादी होगी तो कुछ भी अच्छा मेरे लिए ना? नहीं ये इसके लिए नहीं गाइस, मैं बस दिखाने के लिए लाई थी, मेरे हैं। मैं तो बैग रख लेती, बैग रख लेती, बन गई, वापस दे दे। बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। तू तो बिना पूछे जाती हूँ किचन में, क्योंकि इसका घर मेरा ही घर हुआ ना, है कि नहीं है? हाँ, बस ये रहती देहरादून में फेंक रखा है, इसे बड़ा परेशान करा है, इसकी मम्मी टंग है इससे। तो मैं वहाँ बस रख रखा है लोगों ने देहरादून में, वरना मेरा घर जो मेरे दोस्तों का ससुराल है या मेरा घर है वो इधर ही है, ठीक है? गाइस बहुत जाड़ा हो गया है, इतना जाड़ा पड़ रहा है इस बार की मैं, मेरे जैसी लड़की मोजे पहनने लग गई है, बताओ। और पता है आपको, पहाड़ों में धूप आ रही है और देहरादून में भी धूप आ रही है। जब से रामनगर आ रखी हूँ अच्छे धूप देखी नहीं है भाई यहाँ पे। तू ही है उसकी गुनहगार। गाइस जब से ये नहीं थी, इतनी कड़क धूप आ रही थी ना, धूप में नहीं बैठा जा रहा था आधा घंटा, और जब से आई है ये क्या बोलते हैं, मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत कूल हूँ। तो मतलब सारी कूलिया पंतिया ही ले आओ। किचन में क्या कर रहे हो आप? प्लेट ले रही हूँ। क्यों? भीख मांगने जा रही गाइस। बचपन में नहीं कहते किचन सेट, वो है नहीं, भैंक आ रहा था, 100 रुपए का आ रहा था वो, ये छोटा वाला, मैंने कहा बड़ा वाला ले ला दो। गाइस तो मैंने पूरा किचन सेट ले लिया है, ये है मेरा किचन सेट, खिल रहा हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं खेलने, इसलिए ये पिंक कलर का मत दिखा, बहुत ही गंदा हो रहा है गाइस। कीवी बॉटम और इसका ये फंस चुका है, तो मुझे बताना चाह रही है, और ये बहुत ही प्यारी है, ये हमारी शॉर्टपुट की फीमेल है और इसकी ये विनिंग्स है, ये इतने सारी ट्रॉफी जीत भी चुकी है भाई। yes. इतना प्यार। सो गाइस हम लोग का रोल भी आ चुका है खाने के लिए, ये देखो ये नहीं चटनी और ये रहे दो रोल, एक जिया का एक मेरा। यहाँ पे हमारा किसान केचप भी आ चुका है। अब हम एंजॉय करते हैं अपने रोल, क्योंकि कुछ देर में आने वाले हमारे बर्गर, ठीक है? देख रहे हो आप कितनी खुशी हो रही है इसको। ये सो गाइस हम लोगों ने अपना रोल कर लिया फिनिश, बहुत टेस्टी रोल था। और यहाँ पे देखो इसकी अलग ही हरकत है, ये हमारा अभी का डस्टबिन, जो भी हम खाएंगे वो इसी में डाल देंगे। मतलब मेरे को डाल दिया था डस्टबिन में? नहीं नहीं गाइस, मैं आपका जस्ट एग्जांपल दे रही थी। कितनी जिम्मेदार लड़की हो चुकी है ना अभी, इतनी रिस्पॉन्सिबल हर चीज में। अपने पति देव के लिए चढ़ा रही है यहाँ पे ये दाल, कितने अच्छे हो गए अब। पहले भी अच्छी थी, देखने का नजरिया होना चाहिए। ओ एक मैं हूँ बिल्कुल वेली, जिसे कुछ नहीं आता खाने में, कभी नमक ज्यादा आता है तो इतना कम आता है कभी, इतनी गलतियां। कल को मेरा क्या होगा? चप्पल आएंगे? आज क्या होगा ये बता। आज तो अपने घर में हो ना फिलहाल, मतलब दूसरे के घर में जाऊंगी,
चप्पल ही आएंगी उड़ते हुए मेरे पे तो। गाइस ये लड़की चली गई देखो हमारा ऑर्डर लेने, जो कि हमने आया था बर्गर। मैं आती हूँ अंदर, बर्गर आ रहे क्योंकि गाइस ये लड़की आ चुकी है देखो हमारा बर्गर लेके। मैंने 7 रुपए की टिप दे दी। बनिए लोग टिप भी देते हैं क्या? अरे मजबूरी में देते हैं। अच्छा तो ये रहा हमारे 2 बर्गर जो कि अभी हम अब लपेटेंगे। ठीक है लपेटे में आऊंगे, एक लपेटे में खा जाऊंगी। देखो अपना अपना निकाल रही है, सिर्फ अपना अपना, मतलब मेरे को नहीं खिलाएगी। अच्छा मेरे लिए ही है, थैंक यू। ये देखिए सॉफ्ट, मैं रामनगर में सॉफ्ट बर्गर मिलता है। अच्छा हम मैकडी वैकडी नहीं खाते। हाँ हम खाते हैं 20 रुपए का तला हुआ, बट आज महंगा मंगाना पड़ी है। ये कहती फिर बनिया हो गए 20 रुपए अलग खिला। गाइस अब हम लोगों ने अपना बर्गर भी फिनिश कर लिया, अब हम करेंगे थोड़ी देर आराम, फिर हम जाएंगे इसके सेकंड फ्लोर में जहाँ हम तैयार होंगे। ये पहनाएगी मुझे साड़ी और बनाएंगे हम लोग रिंग, वो भी ये कंबल लाएगी और हम यहाँ पे आराम करते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा कंबल आ चुका है, हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं। सो गाइस हमारी जिज्ञासा मैडम का लंच हो चुका है तैयार, क्योंकि उन्होंने भेजने अपने पति देव को। तो ये देखो लंच में इतनी सारी डिशेज तैयार कर रखी है। कितने लेयर का ये? 5 है ना इसमें पूरा टिफिन? हाँ 5 है। पहले है सबसे पहले सूखी सब्जी आलू की, वो भी फिर है हमारी दाल, फिर है दाल, फिर है चावल, चावल वो भी बिल्कुल खिले हुए चावल, फिर है एक रोटी, फिर है पापड़, एक पापड़ और गुड़, मावे की बर्फी। अच्छा मावे की बर्फी है ये? हाँ। मुझे लगा गुड़ है ये। तो गाइस देख रहे हो आप जिया जी के तो मजे आ रहे हैं बिल्कुल, इतनी बिल्कुल एक्सपर्ट भी मिल रही है उनको, मजा आ गया आपके तो बिल्कुल। काश मेरे को भी ऐसी भी मिलती। जेंडर भूल जाते गाइस कभी कभी, इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूल टाइम में भी जर्सी पहने रखती थी, भूल जाती थी मैं लड़की हूँ। लड़ाई कर लेती थी गाइस ये, बहुत लड़ाकू मैं। हमारे मेकअप की तैयारी होने वाली है, तो पहले ये फेस वॉश कर रही है, उसके बाद हम मेकअप करेंगे और रील बनाएंगे। ठीक रील बनाएंगे। ये देखो गाइस एक टेडी बियर ये है और एक टेडी बियर ये है। ये देखो हमारी असलियत, ऐसा लग रहा है कुछ अभी हम लोग गंदी शकल के आदमी हम लोग। ऑर्डर लाएंगे तेरी में। क्या क्या गल दी तू? खोज समझ नहीं आंदा है। 2000 रुपए दी ए तेनू पड़ जाऊगी 20 लाख रुपए दी, आ ले लो। गाइस ये देखो एक फुलकारी चुन्नी ये है और एक ये है, अभी हम दोनों पहनेंगे दोनों सूट। इनमें से छाटने पड़ेंगे पहले हमको कि साड़ी पहने या फिर सूट पहने, जल्दी छाटते हैं। तो गाइस मैं पहन रही हूँ इसका याला सूट और ये पहन रही है अपना याला सूट और उसकी चुन्नी ये है, और मेरे इस सूट की चुन्नी ये वाले पहनूंगी मैं फुलकारी वाली। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपना मेकअप करने के लिए। ये रही हमारी मेकअप आर्टिस्ट जिसका हाल अभी खुद बिगड़ा हुआ है। तो अभी कुछ इस तरीके से लग रहे हैं हम पागलों की तरह, आई फिर उसके बाद हम बहुत सुंदर सुंदर बन जाएंगे क्योंकि हम मेकअप कर लेंगे ना इसलिए। मेरा आधा मेकअप हो चुका है, अभी मेरे को थोड़ा और मेकअप करना है, उसके बाद बहुत सुंदर लगूंगी और फिर बनाएंगे हम लोग री। मैं हो चुकी हूँ पूरी रेडी और यहाँ पे हमारी जो हमारी मैम है बिल्कुल वो अभी रेडी हो रही है, बालों को स्ट्रेट किया जा रहे हैं अभी उनके। सो गाइस अभी हम लोगों ने 2 रील बना दी अभी पहाड़ी गानों पे। इस पंजाबी लड़की को मैंने आज पहाड़ी गानों पे नचा दिया, देख रहे हो पहाड़ियों का जादू। ऐसा नहीं है पंजाबी भी यही नचा रही मुझे पंजाबी गानों पे, है कि नहीं है? ओह कोर की। मैं डाल दूंगी थोड़ा वीडियो के बीच में, देख लेना आप। और इंस्टा पे फॉलो करना जिज्ञास अग्रवाल 14 और इसे तो आप जानते ही होंगे यूनिबेस्ट। तो अभी ऐसे हम तैयार हो रखे हैं, ये देखो ये पहन रखा मैंने सूट और ये पहन रखा इसने सूट। सो गाइस हमने रील भी शूट कर ली अपनी, अब हम लोग फिर से अपने असली रूप में आ चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने घर।